हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने BLIS 09/105 को देखेंगे। और इसमें क्या देखना था हमें, यानी इरनेट कंप्लीट करना है। इरनेट अभी आपको एक वीडियो मिलेगा, इसके बाद दूसरा क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो मिलेगा, और तीसरे में क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। यानी तीन वीडियो मिलेंगी, तीनों वीडियो जाकर आपको देख लेनी है। आज आपके दोनों चैप्टर के यानी कि दोनों बुकों के क्वेश्चन आंसर्स थे, तो दोनों बुकों के आपके क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। तो आपको वीडियो को क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, आज आपको यानी कि पहले इंटरनेट पढ़ाते हैं, फिर इसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन आंसर पर। क्या है आज का यानी कि यूनिट नंबर 1 लेसन नंबर 3 और टॉपिक क्या है हमारा, इंटरनेट। ठीक है, छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, पहले आपको समझा दो। देखिए इंटरनेट क्या है, यानी कि शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क है। क्या है, शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क है। ठीक है, इसकी क्या है, यानी कि ये क्या करता है, नेटवर्क है, और इसमें क्या करता है, देश में एक महत्वपूर्ण योगदान अदा किया है। और ये नेटवर्क जो है आपके शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से 1998 में एक वैज्ञानिक सोसाइटी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत लाया गया था। किसके अंतर्गत लाया गया था, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत की गई थी। और व्यवहार यानी कि आपके जो भारतीय नेटवर्क में एक तरह से लाने का श्रेय किसको जाता है, और कहीं ना कहीं इंटरनेट का जो उद्देश्य था शिक्षा और अनुसंधान के नेटवर्क को जोड़ना था। देखिए आपका इन्फ्लिम नेट क्या कर रहा है, इन्फ्लिम नेट आपके पूरे यूनिवर्सिटी से जोड़ रहा है। ठीक है, अब आपकी क्या है, रिसर्च की बात आती है, तो रिसर्च में भी कहीं ना कहीं हमें शिक्षा के और रिसर्च के क्षेत्र में बात आई थी। तो शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में जब बात आई थी तो कहीं ना कहीं इंटरनेट की बात आई थी। यानी इंटरनेट की फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो एजुकेशन एंड यानी एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क। ठीक है, ये ध्यान रखना, एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क आपसे क्या है पूछी जाती है जब आप लाइब्रेरी का एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बात आ गई। अब इसमें क्या कर दिया, नेटवर्क के क्षेत्रों में विशेष प्रोटोकॉल और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड करके राष्ट्रीय यानी क्षमताओं का निर्माण करने की बात कही गई, नेटवर्क को बढ़ाने की बात कही। यानी कि भारतीय समाज में अनुसंधान और कहीं ना कहीं शिक्षा समुदाय के विकास की बात करी गई। तो कहीं ना कहीं इस तरह से करते 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 हमारा जो इंटरनेट था, इंटरनेट की को भारत सरकार द्वारा और पैन यूरोपियन यानी शिक्षण और यूरोपियन नेटवर्क के उच्च क्षमताओं के साथ साथ 2006 से 2010 तक कब तक 2006 से 2010 के मध्य जोड़ा गया, और साथ ही एक नोडल केंद्र के रूप में घोषित किया गया। किसके रूप में, नोडल के रूप में। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, मैक्सिमम इसमें यही पूछी जाती है, ज़्यादा ज़्यादा चीज़ क्या है, पहली फुल फॉर्म और ये। ठीक है, फिर आपका क्या आ जाता है, उद्देश्य क्या है। ठीक है, उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात होती है, हर चीज़ का उद्देश्य होता है। इन्फ्लिम नेट का क्या था कि वो क्या कर रहा है, सारी लाइब्रेरी को जोड़ रहा है। इंटरनेट क्या है, हमारी एजुकेशन और रिसर्च को जोड़ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इसका उद्देश्य है कि भारत में जो शिक्षा यानी भारत में शोध एवं शिक्षा के विकास हेतु विश्व स्तरीय नेटवर्क सेवा को प्रदान करने की बात करी गई। और विश्व स्तरीय नेटवर्क प्रदान करने की बात करी गई तो इसके उद्देश्य हो गए, देश में शैक्षणिक और शोध संस्थानों को विश्व स्तरीय बनाने की बात करी गई। क्या करी गई, विश्व स्तरीय बनाने की बात करी। राष्ट्रीय शैक्षणिक और शोध नेटवर्क का संचालन किया गया। ठीक है, फिर आते हैं यानी कि तीसरे नंबर पे क्या बात आई, तीसरे नंबर पे बात आई कि डाटा संचार एवं इसके अनुप्रयोग के क्षेत्र में शोध एवं विकास करा गया। क्या करा गया, शोध एवं विकास करा गया। फिर आती है बात आपके नेटवर्क के क्षेत्र में नेटवर्क के क्षेत्र में मानव संसाधन का विकास करा गया। फिर आता है आपके लक्षित उपयोगकर्ताओं की सूचना को संचार प्रौद्योगिकी की स्थापना की सलाह दी गई। तो कहीं ना कहीं ये इसके उद्देश्य आपको
देखने के लिए मिलेंगे। फिर आती हैं इसकी सेवाएं। देखो उद्देश्य और क्या है आवश्यकता, सब चीज़ों की याद कर लेना, या उद्देश्य दिए गए तो उद्देश्य और आवश्यकता दिए गए तो आवश्यकता। अब आती है सेवाओं की बात। इंटरनेट क्या करता है, इंटरनेट आपको किस तरह की सेवा प्रदान करता है। इंटरनेट आपको शैक्षणिक और अनुसंधान के संस्थान, सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन, निजी क्षेत्र के अनुसंधान में विकास संगठनों को विभिन्न यानी कि अनुसंधान के लिए और सेवाओं के लिए प्रदान करता है। फिर आता है साथ में इंटरनेट क्या करता है, आपके अनुसंधान को विकसित करने के लिए, प्रशिक्षण करने के लिए और कहीं ना कहीं संरक्षण के लिए, सेवा के लिए महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करता है। ठीक है, ये आपके दो पॉइंट इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे। लिख मैं इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि देखिए बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, आपको चीज़ें समझाने में जहाँ पर लिखने की बात आएगी वहाँ मैं लिखूँगा। ठीक है, जब ये चीज़ें समझाने वाली बात आती है तो समझाए के आपको देखो लिखने वाली बात आएगी लिखेंगे और जहाँ अपन चीज़ें समझने वाली बात आएगी समझेंगे। अब इसके अंदर क्या है, परियोजना भी आती है आपकी। इसमें क्या करेगी, परियोजनाएं। परियोजना क्या है, अब इसके अंदर आपकी आती है नंबर वन आपकी राष्ट्रीय परियोजनाएं, राष्ट्रीय परियोजनाएं। दूसरा आपका आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं। ठीक है, अब राष्ट्रीय परियोजना और अंतर्राष्ट्रीय परियोजना में सबसे पहले आपका आ जाता है राष्ट्रीय परियोजना में डिजिटल लाइब्रेरी रिपोर्ट, एक तरह से यानी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत करना। फिर आपका ग्रामीण विद्यालयों के लिए आईसीटी केंद्र, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय के ई लिंक्स, केंद्रीय विद्यालयों की आपकी लाइब्रेरी, डाटा सेंटर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये क्या है, आपके राष्ट्रीय परियोजना है इसके अंतर्गत इंटरनेट के अंदर। अब आपकी आ जाती है अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय में क्या आपकी आ जाती है, लिखिए अंतर्राष्ट्रीय लिख लीजिए क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं दिक्कत कर जाती है क्योंकि राष्ट्रीय तो आपको सारी याद आ जाती है, टी ई आई एन, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, ट्रांस यूरेशिया इंफॉर्मेशन नेटवर्क। ठीक है, ये का इसकी शुरुआत कब हुई, 2000 में, यानी यूरोप और एशिया के रिसर्च नेटवर्क के सुधार लाने के लिए 2000 में शुरू किया गया था। फिर आपका आ जाता है एक और लिख लीजिए नंबर दो पर, माई फायर। ये क्या है, भविष्य के नेटवर्क को निर्माण करने के लिए पर्यावरण के पूर्व एक तरह से आवश्यकता को पूरे यूरोपीय कमीशन के द्वारा इसकी स्थापना करी गई और इसमें भारत के पोर्टल के रूप में लाया गया। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है इंटरनेट के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये आपके चल रहे हैं इंटरनेट आपका इसके अंदर आपको देखने में मिल रहा है। इस इंटरनेट के अंदर ये आपकी मेन मेन चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो ये थी आपकी जो मेन मेन चीज़ हमें पढ़नी है। इंटरनेट में सिर्फ और सिर्फ तीन चीज़ें ध्यान रखना कभी भी लिखने के लिए आए, पहला क्या आएगा इसका, इसके बारे में बता देना है, दूसरा आपको उद्देश्य बता देने, और तीसरा या तो सेवा बता दो या इसकी आवश्यकता बता दो, और कुछ मत लिखना। ज़्यादा चीज़ें लिखोगे तो कन्फ्यूज़न होगे और कहीं ना कहीं हमारे मतलब की है भी नहीं, क्योंकि इसमें अगर आप एग्ज़ामिनेशन के उससे पार्ट से लेके चलो थ्योरी से तो ये तीन चीज़ पूछी जाएंगी, लाइब्रेरी एग्ज़ाम के हिसाब से लेके चलो तो आपके एक स्थापना कब हुई और इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। अब लास्ट बचता है आपका डेलनेट।